गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम मनी की वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से ऐड करते हैं नोट्स को और कुछ हम सामान परचेज करने की भी एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि अगर हमने कोई सामान परचेज किया तो हम उसमें किस तरीके से एक शॉपकीपर को रुपीज दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी। तो जैसा आपने देखा, सबसे पहली वर्कशीट है जिसके अंदर है ऐड द नोट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है रुपीज़ टेन एंड ₹20। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 10 रुपीज़ को हम इनको काउंटिंग के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। मीन्स 10 + 10 = 20 एंड देन 20 के बाद दोबारा 20। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हैं। अगर हम इनको इस तरह से लाइंस लगा दें तो 1, 2, 3 एंड देन 4, तो मीन्स 10, 20, 30, 40। तो हमारे रुपीज़ बने 40 रुपीज़। इसी तरीके से अब ये 20 नोट्स हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लाइंस लगाई। ये भी 20 है, मीन्स यहाँ पर भी 2 नोट है। तो हमारा हुआ 1, 10, 20, 30 एंड अगेन 40। तो ये हमारे हो गए 40 रुपीज़। आगे देखते हैं 10 में 10, 20 की 2 लाइंस एंड 10 की 1 लाइंस। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन 60। तो ये हो गए 60 रुपीज़। इस तरीके से आप आगे की भी काउंटिंग अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ऐड करना नोट्स को। दूसरी वर्कशीट देख लेते हैं एक और, जिसके अंदर मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं। एक कार है, टॉय कार, एक बिग बैलून है, एक टॉय स्कूल बस है। उनके मैंने रुपीज़ लिखे हैं कि एक टॉय कार जो है वो ₹40 की है, बैलून जो है वो ₹20 का है और टॉय बस जो है वो ₹30 की है। तो अगर हमें 40 रुपीज़ का एक कार चाहिए और हमारे पास जो नोट्स हैं वो हैं 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के, तो हमें 10 और 20 रुपीज़ के नोट को मिलाकर हम कैसे खरीद सकते हैं, तो वो देखते हैं। 40 रुपये बनाने के लिए अगर मैंने यहाँ 20 लिखे तो मुझे अब यहाँ पर 10 रुपीज़ के 2 नोट और चलेंगे। मीन्स 10, 20, 30, 40। तो मैं जब दुकानदार को दूंगी तो एक 20 का नोट, एक 10 का नोट और एक और 10 का नोट दूंगी। बिग बैलून है जो कि 20 रुपीज़ का है। अगर मेरे पास 10-10 रुपये के नोट हैं तो मैं 10 रुपये का एक और एक 2, तो मैंने अगर 10 रुपये के 2 नोट दिए तो मेरा अमाउंट बन गया 20 रुपीज़। इसी तरीके से अगर मुझे टॉय स्कूल बस खरीदनी है जो कि 30 रुपीज़ की है और मेरे पास 20 और 10 रुपीज़ दोनों के नोट हैं, अब क्योंकि यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं मीन्स मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ के नोट लेने हैं, तो मैंने लिया 10, 20 एंड देन 30। तो मैंने 10 रुपीज़ के 3 नोट्स दिए। पहली एक्टिविटी में मैंने 20 रुपीज़ का 1 दिया और 10 रुपीज़ के 2 दिए। बैलून खरीदने के लिए 10 रुपीज़ के 2 नोट्स दिए। टॉय बस खरीदने के लिए 10 रुपीज़ के 3 नोट्स दिए। तो इस तरीके से आप बच्चों को वर्कशीट्स दे सकते हैं बनाकर, जिससे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। गुड बाय।